कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की लापता बालिका की दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने का मामला अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि 26 नवंबर को लापता बालिका का शव दूसरे दिन जंगल में पड़ा मिला था। पुलिस द्वारा शव का पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद भी बालिका के दुष्कर्म के बाद गला घोटकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद आरोपी के तलाश में जुटी पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को घटना स्थल के समीप बनी एक कोठरी से गिरफ्तार कर लिया। साथ ही फॉरेंसिक टीम एवं साक्ष्यों की जांच में जुटी है, लेकिन परिजन पुलिस की इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। वहीं भीम आर्मी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ता रविवार को पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों को सांत्वना दी। वहीं मौके पर मौजूद कोतवाली प्रभारी अनुज कुमार से भी वार्ता कर घटना की जांच के बारे में जानकारी की। साथ ही उन्होंने घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग एवं उचित कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। अभी आपके परिवार में बच्ची के साथ में जघन्य अपराध हुआ और उसमें अपराधी पकड़ा गया, जो मन बुद्धि उससे संतुष्ट है? उससे संतुष्ट नहीं है सर। क्यों क्यों संतुष्ट नहीं है? वो संतुष्ट क्यों नहीं है कि पागल आदमी होता तो अंडकोश में कपड़ा नहीं घुसाता, मुंह में कपड़ा नहीं घुसाता और लड़की को रेप करके जंगल में छोड़ जाता। वो जंगल में ही करता, वो तो किसी को फ्लैट में या झोपड़ी में रेप हुआ है उसके साथ। सुबह बॉडी डाली गई है उसकी तो वहाँ 8 बजे करीब। पुलिस ने उसको मौके पे पकड़ा भी तो है? नहीं, मौके पे नहीं पकड़ा था, रोड पे पकड़ा था 26 तारीख को 11:30 बजे बच्चों ने, हमारे ने पकड़ा था जब पुलिस को बुलाया था। वो आज आपसे आर्मी के जो पदाधिकारी मिल रहे हैं आर्मी सेना के, तो इनसे आपका क्या कहना है? हमारा तो यही कहना है हाथ जोड़ के सबसे ही कि हमें इंसाफ चाहिए, जितना जल्दी से जल्दी मुलजिम चाहिए। जैसे कभी यहाँ आ जाएँ, क्या कहेंगे इसके बारे में, क्या घटना है? जी ऐसा है, एक तो ये जो घटना हुई, 7-8 साल की बच्ची है और इतनी बड़ी बुरी घटना है कि इंसानों के रूप में जो भेड़िए हैं वही इस घटना को कर सकते हैं। तो इस घटना का जैसे ही हमें पता चला तो हमने अपनी टीम को भी भेजा वहाँ पे, पोस्टमार्टम ग्रेवी भेजा, बॉडी को भी निकलवाया, पोस्टमार्टम करवाया माननीय जिलाध्यक्ष जी ने। तो उसके बाद में ये दौरा जो है मेरा आज हुआ है यहाँ पर, घर पीड़ित परिवार से भी मिला हूँ, प्रशासन से भी मेरी बातचीत हुई है। अभी इसमें कल जो आरोपी इन्होंने पकड़ा है वो मंदबुद्धि है, उसमें हमने भी बोला है प्रशासन से, प्रशासन ने पूरा पूरा आश्वासन दिया है और हमने भी बोला है कि जाँच जो है हम बंद नहीं होने देंगे। और ये जो व्यक्ति पकड़ा गया है और भी इसमें मुख्य आरोपी हो सकते हैं, जिस तरीके का ये कृत्य किया गया है कि बॉडी पहले उस जगह ना मिलना फिर उसके बाद में वहाँ मिलना, तो इसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं। तो इसके लिए हमने प्रशासन से जिला उच्च स्तरीय मांग की है जांच की। प्रशासन से बातचीत करने के बाद कितने संतुष्ट दिख रहे हैं आप? जी ऐसा है, फिलहाल तो उन्होंने काफ़ी प्रूफ्स वगैरह हमें दिखाए हैं, लेकिन अभी संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि इसलिए नहीं है कि जब तक उच्च स्तरीय जाँच नहीं हो जाएगी हम चैन से नहीं बैठेंगे और पूरा पूरा मामला जो है हम स्वयं देखेंगे, संगठन देखेगा, हमारे जिला देखेंगे। सर, पीड़ित परिवार का कहना है कि जो आरोपी भेजा है वो निर्दोष है, क्या आप भी यही कहेंगे? मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे ही आज मैंने अखबार देखा तो उसमें देखा वो मंदबुद्धि जो व्यक्ति है उसके बारे में हमने भी पता किया, हमारी टीम ने भी पता किया है, यही हमने प्रशासन से बोला है कि केस ये बिल्कुल बंद नहीं होगा और ना तो इसकी विवेचना बंद होगी। पूरा प्रशासन जो है हमें इस मामले में, हम भी नहीं मानते उसको आरोपी, आप बता रहे हैं लेकिन हम नहीं मानते उसको आरोपी। आप उसको साबित करिए और जल्द से जल्द, चाहे उसमें कप्तान साहब बोलें चाहे उसमें डीएम साहब बोलें, जितनी जल्दी हो जो भी आपने वहाँ पर भेजा है जांच के लिए, जितने भी आपने सबूत इकट्ठे किए हैं जांच के लिए भेजा है, वो सारी जांच जल्द से जल्द करवाएं, जल्द से जल्द लाएं, जिससे ये सारा कुछ क्लियर हो सके कि किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, जो मुख्य आरोपी है वो बख्शा नहीं जाए। सर, जिस तरह से आपकी आर्मी समाज सेवा के रूप में काम करती है, एक निर्दोष को जेल भेजा, क्या ये सही है? देखिए मैं आपको ये बताऊं, पुलिस ने उसके जो सबूत इकट्ठे किए हैं, पुलिस बता रही है कि सर यही आरोपी, उन्होंने अपने स्तर से किए हैं लेकिन हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। हमने बोला ना हमें पूरी उच्च स्तरीय जाँच चाहिए, इसमें जितने भी आपने सबूत इकट्ठे किए, देखिए मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो भी सबूत पुलिस ने उसके खिलाफ इकट्ठे किए हैं उनकी उच्च स्तरीय जाँच की मांग हम करते हैं, हमारा संगठन करता है। और अगर जल्द से जल्द इसमें कुछ नहीं होता है तो उसमें उग्र आंदोलन भी होगा, सड़कें भी जाम होगी और ज़रूरत पड़ेगी तो बैठेंगे भी धरने पर। पुलिस कब तक पूरा मामला खोलेगी? देखिए पुलिस ने अभी तो समय अवधि मुझे दी नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला है कि जल्द से जल्द, तो मैंने भी पुलिस प्रशासन से बोला है कि जाँच का आप समय जो है निर्धारित करिएगा और हमें बताइएगा, क्योंकि एक एक दो दो महीना लंबा समय हो जाता है जाँच में, जो भी
जाता है जांच के लिए, क्योंकि भारत के अंदर अभी ऐसी सुविधाएं नहीं प्राप्त हो पाई हैं। तो इसलिए मैंने जल्द से जल्द बोला है कि जांच के